अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मेरे भाई जो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स का शौक रखते हैं, तो पाकिस्तान रेंजर्स में बेशुमार वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, हवालदार, सिपाही और उसके अलावा बेशुमार वैकेंसीज। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसकी लास्ट डेट क्या है, तो याद रखिएगा, इसमें सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के तमाम सूबों वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान रेंजर्स की तमाम वैकेंसीज की डिटेल और तालीम और कैसे अप्लाई करना है, ये आपको बताते हैं हेड कांस्टेबल इजाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी ऑफ पुलिस, मैं हूं नदीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान रेंजर्स में बेशुमार वैकेंसीज का ऐलान किया जा चुका है, जिसकी तफसील मैं आपको बताता चलूं, जिसमें प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के लिए 112 वैकेंसीज का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें तालीमी काबिलियत मिडल होना जरूरी है। कुक और बावर्ची के लिए 59 वैकेंसीज का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें तालीमी काबिलियत मिडल होना जरूरी है। इसमें खतीब के लिए 4 वैकेंसीज का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मैट्रिक पास और साथ में दर्स निज़ामी का कोर्स होना बिल्कुल जरूरी है। और सफाई जनरल ड्यूटी के लिए 1166 वैकेंसीज का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें कम अज कम मिडल पास जरूरी है और ज्यादा तालीम की कोई हद नहीं। और नाइक जनरल ड्यूटी के लिए 27 वैकेंसीज का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मैट्रिक पास होना जरूरी है। और हवालदार जनरल ड्यूटी के लिए 19 सीटों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें भी मैट्रिक पास होना बिल्कुल जरूरी है। और इसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी आई हुई है, जिनका बाकायदा ऐलान किया जा चुका है, जिसमें तालीमी काबिलियत FA, FSC, DCOM, DAE और ICOM होना जरूरी है। यानी आपकी जो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आपने FA किया, ICOM किया, DAE किया है या ICS किया है, तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे कैंडिडेट्स जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उनका टेस्ट कहां पर होगा, मैं आपको टेस्ट सेंटर के नाम बताता चलूं। चूंकि ये पाकिस्तान रेंजर सिंध में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसके लिए पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका तल्लुक पंजाब से है, उनका टेस्ट सेंटर कौन सा बनेगा? मुल्तान, रहीम यार खां, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला। और टेस्ट की जो तारीख होगी मुल्तान वालों के लिए 26-27 मई होगी, रहीम यार खां वालों के लिए 29-30 मई होगी, मंडी बहाउद्दीन वालों के लिए 21 और 20 तारीख होगी, 21 और 20 मई होगी, गुजरांवालों के लिए 23 और 24 मई होगी। तो आप सब कैंडिडेट्स हैं, इन पोस्टों के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, तो जो भी आप टेस्ट सेंटर मुंतखब करेंगे, तो जो मैंने आपके साथ ये डेट शेयर की हैं, जो जो मैंने आपको तारीख अनाउंस की है, उन्हीं तारीखों के दौरान आपने उसी टेस्ट सेंटर पर जाना है टेस्ट देने के लिए, जो आपके नज़दीक तरीन टेस्ट सेंटर होगा। तो अब हम आपको इन तमाम पोस्टों की एज बताते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए और इन तमाम पोस्टों की लास्ट डेट क्या है। तो जी नाजरीन, उम्र की हद में बहुत ज्यादा राय दी गई है। इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुक, बावर्ची, खतीब, सफाई, नायक, हवालदार और सब इंस्पेक्टर की, इन तमाम पोस्टों की जो उम्र है उसमें 18 से 30 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। और आखिरी तारीख 18 मई 2024, लास्ट डे 18 मई 2024, याद रहे। तमाम भर्ती की तैयारी और मुकम्मल गाइडलाइन के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका नंबर नीचे स्क्रीन में दिया हुआ है। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप अपना नेम लिखकर मैसेज कर दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो याद रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने की कोई फीस नहीं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल और तमाम नोट्स फ्री प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरा यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी ऑफ पुलिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि भर्ती के मुतल्लक हर नई आने वाली जॉब्स की डिटेल आप तक बा आसानी पहुंच सके।